Hey guys, welcome back to the channel. My name is Udit और आप देख रहे हैं Udit Verse. So guys, कैसे हैं आप लोग? I hope आप सब बढ़िया होंगे. तो आज मैं आपके लिए कॉल नई वीडियो लेकर आया हूँ. आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं रात के 10:45 बजे. जी हाँ, रात के 10:45 बजे हमने अपना वीडियो स्टार्ट किया, और क्यों किया है उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ. एक्चुअली आज पूरा दिन मुझे काम था तो मैं उसी में बिजी था. ओके, तो मैं अभी निकल रहा हूँ नोएडा से गुड़गांव की तरफ. क्यों जा रहा हूँ इतनी रात में? तो जी हाँ, मैं जा रहा हूँ पोलो के लिए अपनी कुछ एक्सेसरी लेने. में क्या है वो है इंटीरियर कंफर्ट के लिए अपना आर्मरेस्ट. जैसा कि आपको पता होगा कि GT TSI में आर्मरेस्ट नहीं आता है. जो हाईलाइन प्लस आती थी 1 लीटर वाली, उसमें आता था आर्मरेस्ट, और नॉर्मल में आता था आर्मरेस्ट, बट GT वर्जन में जो 1.2 TSI है उसमें आर्मरेस्ट नहीं आता था. मैं भी किसी गाड़ियों में शायद दिया उन्होंने, बट मेरी गाड़ी में आर्मरेस्ट नहीं है. तो मुझे आर्मरेस्ट मिल गया है OEM, बिल्कुल जेन्युइन Volkswagen का आर्मरेस्ट, काफी अच्छे प्राइस में मिल रहा है मुझको. तो वही लेने में जा रहा हूँ गुड़गांव. और इतनी रात में क्यों जा रहा हूँ? देखो यार, दिन में काम था और शाम को मैं निकल नहीं सकता. जैसे कि आपको पता है कि मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं 5-6 से पहले तो कहीं निकल ही नहीं पाता हूँ. और जब मैं 5-6 बजे अगर गुड़गांव निकलता ना भाई, तो मैं 9-10 बजे पहुंचता. तो इससे अच्छा है कि 10-11 बजे निकलो, 1 घंटे में पहुंचो और 1 घंटे में वापस आ जाओ, 15-20 मिनट का काम होगा. तो इसलिए मैं इतनी लेट निकला हूँ. फिलहाल मैं नोएडा में ही हूँ और अभी घर से निकला हूँ, और मुझे फिलहाल फिर 5 मिनट ही हुआ है घर से निकले हुए. अभी मैं अपने एक्सप्रेस वे पे भी नहीं पहुंचा हूँ, सर्विस लेन पे चल रहा हूँ. तो चलिए फटाफट से चलते हैं और कलेक्ट करते हैं अपना आर्मरेस्ट, और दिखाते हैं आपको कि कैसी क्वालिटी है, क्या है, और कितने का पड़ रहा है वो मुझको, और क्यों मैं इतनी दूर जा रहा हूँ उसको लेने के लिए. बहुत ही जरूरी है यार वो, और मैं उसका इंस्टॉलेशन वीडियो भी बनाऊंगा. तो पहले चलते हैं फटाफट से गुड़गांव और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में. सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं DND पे. मैंने DND टोल क्रॉस कर लिया है, जो कि बंद हो गया ऑफ कोर्स. तो DND हमने पार कर लिया है. अभी तो ट्रैफिक उतनी खास मिली नहीं है, मैं तो अच्छी स्पीड में आ गया हूँ. बट हाँ, आप दिल्ली में इंटर कर लिया है तो दिल्ली में तो स्पीड लिमिट्स तो आप जानते ही हैं. तो दिल्ली में तो आराम से चलना पड़ेगा. अभी 1 घंटा दिखा रहा है टाइम मुझको, और इस हिसाब से अभी 11:01 हुआ है, तो मैं पहुँच पाऊँगा वहाँ पे लगभग 12 बजे तक. तो ठीक है, चलते हैं फटाफट से. ओ भाई साहब, आगे इतना लंबा जाम किस चीज का लग गया है? ये तो प्लान में नहीं था. ये तो यार बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा जाम मिल गया मुझको. मैं रात में इसी चक्कर में निकला था यार कि ट्रैफिक नहीं मिलेगा, अब क्या करूं. चलो कोई बात नहीं है, अब निकल चुके हैं तो पहुंचना तो है. ओ भाई, अभी भी मैं जाम में ही हूँ, बड़ा तगड़ा जाम है. मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कमर्शियल गाड़ियों की वजह से, क्योंकि लेफ्ट साइड में कमर्शियल टैक्स लेते हैं ना डेली एंट्रेंस में, तो उन्हीं की वजह से शायद है ये ट्रैफिक. और कोई बड़ा ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो सारी कमर्शियल गाड़ियां खड़ी हुई हैं. जो भी है, फिलहाल तो शायद अब लग रहा है कि अब निकल जाएंगे, बिल्कुल एंड पे आ गए हैं. तो निकलते हैं फटाफट से जाम से पहले. खैर, अभी हम निकल चुके हैं फिलहाल अपना जाम से और पहुंच चुके हैं यमुना ब्रिज पे. अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, खुला खुला सा. नहीं तो यार, निकलते ही पता है इतना ट्रैफिक में मज़ा नहीं आता. मुझे लग रहा था रात में मिलेगा नहीं. खैर कोई नहीं, ट्रैफिक जाम नहीं था, वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ थी. तो ओके, पानी अच्छा खासा भरा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा होगा रात में. तो अभी बारिश का टाइम है तो फिर यमुना में भी पानी है, वरना हमेशा इस पर पानी नहीं रहता है. अब ये देख लो, दो ट्रक वाले हैं, एक राइट में दबा के चल रहा है, एक उसके बगल में चल रहा है. ऐसे जब ट्रक वाले चलाते हैं ना तो बड़ी गुस्सा आती है. इन लोग को ऐसे नहीं चलाने चाहिए यार, एक लेन में चलो ना चुपचाप. पता नहीं क्या है इनको, KTM नहीं बनाना चाहिए बाबा. ट्रक है, ट्रक को ट्रक की तरह चलाओ. यहाँ पर दोनों ट्रक वालों का ईगो क्लैश हो गया. ये लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर रहा था, लेकिन भाई साहब राइट वाले ने और अपनी स्पीड बढ़ा दी है. तो ये चलता है भाई, तो इस तरीके से यार हादसे होते हैं, नहीं करना चाहिए इन लोग. चलिए, तो पहुंच चुके हैं अब हम अपने पहले फ्लाईओवर पे. और यार ये जो फ्लाईओवर बना हुआ है ना दिल्ली का, जब आप DND पार करते हो, और ये वाला जो फ्लाईओवर बना ना, इससे बहुत राहत हो गई है. वैसे नीचे से जब जाते थे हम तो काफी ट्रैफिक हो जाती थी इस पे. लाइक इस पे नीचे एक सिग्नल पड़ता है, उस सिग्नल की वजह से आपको उस पुल की स्टार्टिंग यहाँ से है ना, वहां से ही पहले आपको जैम में फंसना पड़ जाता था. बट अभी ठीक है यार, अभी बढ़िया है, आप आराम से एकदम स्मूथली निकल जाओगे. ओ भाई साहब, हमारे आगे जा रही है महिंद्रा की XUV 400. यार ये बहुत कम देखने को मिलती है. ओ भाई, खीरे जा रहे हैं ट्रक में, खीरे तो नहीं खाने किसी को. ओ
गाइज हम पहुंच गए हैं साउथ एक्स के पास, और साउथ एक्स में आपको बहुत ही बड़े बड़े शोरूम्स दिख जाएंगे, बहुत ही चगमग चगमग लाइटें दिखती हैं यहाँ पे। यहाँ पर लेफ्ट साइड में है साउथ एक्स की मार्केट, आप अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको साउथ एक्स की मार्केट मिलेगी, ऐसा एक बोर्ड पे लिखा हुआ था। मैं तो कभी नहीं गया हूँ मार्केट वार्केट साउथ एक्स की, करूँगा क्या यार, जाके मुझे थोड़ी कुछ खरीदना है। राइट साइड में देखिए अपना तिरंगा लहराता हुआ, बहुत ही प्यारा लग रहा है, पास से दिखाता हूँ आपको चल के। यार अपने तिरंगे के लिए एक लाइक तो बनता है बाबा, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। तो गाइज हम पहुंचने वाले हैं मोती बाग, और यहां से हम ले लेंगे लेफ्ट, रावतुला राम मार्ग होते हुए जाएंगे। वैसे मैप तो दौलाकुआं से दिखा रहा है रास्ता, बट हम रावतुला मार्ग से ही जाएंगे भाई साहब, ऑटोमेटिक। तो यहां से ले लिया हमने लेफ्ट और हम पहुंच गए हैं अपने रावतुला राम मार्ग पे। क्या कर रहे हैं लोग यार, जब यहाँ पे यूटर्न है नहीं तो यूटर्न लेने के लिए क्यों खड़े हो जाते हैं, समझ में नहीं आता मुझको। और फिर से अपने को सिग्नल मिल गया, सिग्नल बहुत है दिल्ली में यार, क्या करें। चलो चलते हैं, फटाफट से पहुँचते हैं। तो अभी हम बस पहुँच ही गए हैं अपने जयपुर वाले हाईवे पे, मिल जाएंगे और इस हाईवे को पढ़ के सीधे अपन गुड़गांव एंटर करेंगे। बात है आज भाई BMW की भरमार हो गई है, इतना BMW का है दिखा रहे हो भैया। तो गाइस अब यहां से एंटर कर रहे हैं गुड़गांव में, और हमारे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा द लीला एम्बियंस, जो कि है एम्बियंस मॉल। तो एंटर कर चुके हैं हम गुड़गांव में, और यहां से हमारी डिस्टेंस है मात्र 12 किलोमीटर, जो कि है दिखा रहा है 15-16 मिनट लगेगा अपने को पहुंचने में। सीधे पहुंचते हैं अपनी लोकेशन पे, और डायरेक्टली मैं दिखाता हूं कि जो आर्म रेस्ट हम उठाने जा रहे हैं वो कैसा है, किस तरह की क्वालिटी है वगैरह वगैरह, और कितने का वो पड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो गाइस हम बस पहुंचने ही वाले हैं अपने लोकेशन पे, जो कि है कोल्ड मॉन्स्टर्स। अब कहाँ है कोल्ड मॉन्स्टर्स दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा आगे है। ओके तो ये है गुरुद्वारा, गुरुद्वारा साहिब। अच्छा बस और 100 मीटर पे ही है कोल्ड मॉन्स्टर। ओके सो ये लेफ्ट साइड में है कोल्ड मॉन्स्टर्स। तो यहाँ बुलाया है भाई ने अपने को, तो वेट करते हैं, वो कह रहा है कि 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं, तो देखते हैं जैसे आता है मैं फिर से आपसे मिलता हूँ। सो गाइस आर्म रेस्ट हमने ले लिया है, और यहाँ अंधेरा बहुत है यार, तो मैं आप लोगों को अभी नहीं दिखा पाया, अभी मैं दिखाता हूँ आपको घर पहुँच के दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या ही दिखाऊंगा यार, यहाँ पूरा अंधेरा अंधेरा पड़ा हुआ है, अंधेरे में आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा, वो भी ब्लैक ब्लैक है। तो मैंने चेक कर लिया है, सही है, फुल ब्लैक में है, और बाकी अपना भाई भी अपने को फॉलो करता है। तो चलिए, तो यहाँ मैं आया था, ये इसके पास भी पोलो है। चलो ओके, चलिए फिर फटाफट से निकलते हैं घर और मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। तो गाइज हम निकल चुके हैं गुड़गांव से, और पार कर लिया हमने कापासेड़ा बॉर्डर, और अब हम जा रहे हैं अपना नोएडा की तरफ। और ट्रैफिक कुछ खास है नहीं, लाइक मिनिमल ट्रैफिक जो रहता है यार, बीच बीच में ट्रक्स की वजह से थोड़ा ट्रैफिक रहता है, तो वही सब ट्रैफिक है। और आमरेस तो मैंने ले लिया है, और जिस भाई से मैंने आमरेस लिया है वो अपना सब्सक्राइबर भी है, तो उसने बोला कि भैया मैं आपको फॉलो करता हूँ, मैंने कहा चलो बढ़िया है। तो सही है यार, अच्छा लग रहा है कि लोग जानते हैं, लाइक अभी मैंने चैनल शुरू किया है कि 1 महीना ही हुआ है और अभी 180-190 सब्सक्राइबर ही हुए हैं अपने, तो अच्छा है यार, अपनी फैमिली बढ़ रही है, अपने को अच्छा लग रहा है, और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, तो अच्छा है, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो गाइस एक अपडेट देता हूँ आपको, अभी अभी फ़ोन आया था अनुज श्रीवास्तव का, जिससे मैंने पिछली वीडियो में आपको मिलवाया था कि ये भाई की गाड़ी लद्दाख गई है और लद्दाख में फेलियर हो गया था, फिर वो बंदा आया था
सामान और मैकेनिक के साथ गया हुआ था लद्दाख। तो वो भाई अपना पहुंच गया था विस्की नाला, जहाँ पर उसकी गाड़ी खराब थी, और अभी अभी उसने अपडेट दिया है कि अब वो आगे लद्दाख नहीं जा रहा है और वो वापस आ रहा है। तो गाड़ी उसने बना ली है और गाड़ी से वापस आ रहा है, अभी वो सरचू पहुंच गया है तो वहीं रुकेगा। मैंने उससे वीडियोस मंगा ली हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ और उसने कैसे गाड़ी अपनी बनाई है और क्या हुआ कि वो वापस आ रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, तो सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ एम्स के पास चलते चलते, और बीच में मुझे ट्रैफिक भी मिल गया था थोड़ा सा। तो चलते हैं घर और पहुंचते हैं और मिलते हैं आपसे, और मैं दिखाता हूं आपको आर्मरेस्ट कैसा मिला है, आर्मरेस्ट कैसा है, OEM फिटिंग और क्या क्या उसके साथ फिटिंग्स मिलती हैं अपने को। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो अभी टाइम हो रहा है 1:21 और मैं पहुंचने वाला हूं घर। कैसा है वो आर्मरेस्ट वो घर पहुंच के मैं दिखाऊंगा। सो गाइस, कुछ ऐसा है ये आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट की क्वालिटी अच्छी है, ऊपर लेदराइट फिनिश है, फैब्रिक नहीं है, और क्वालिटी तो सही है। और ये सारे एल्युमिनियम के लग रहे हैं मुझको, और नट बोल्ट्स हैं, और ये पीछे का प्लास्टिक है जो चेंज होगा। तो अच्छी है, क्वालिटी तो अच्छी है। बाकी इसको इंस्टॉलेशन करेंगे हम, तो वो आप देख पाओगे अगली वीडियो में। तो आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।